नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देश के चर्चित सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता साक्षी महाराज जी। आज हम साक्षी महाराज जी से राम मंदिर मुद्दे सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। धार्मिक प्रवृत्ति के मालिक साक्षी महाराज का पूरा नाम सच्चिदानंद हरि साक्षी है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज के साक्षी धाम में 12 जनवरी 1956 को हुआ। उनके पिता का नाम आत्मानंद जी महाराज और मां का नाम माता लासा देवी था। साक्षी लोध समुदाय से आते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ उन्हें राजनीति में भी रुचि रही है। इसी रुचि के कारण ही उन्होंने सियासी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज भी कराई। साल 1991 में उन्होंने मथुरा से लोकसभा का चुनाव जीता। बाद में 1996 और 1998 में फर्रुखाबाद से उन्हें लोकसभा के लिए चुना गया, जबकि 1990 में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। तब उन्होंने बीजेपी की नीतियों को समाज के गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिकूल बताया था। बाद में साल 2000 में मुलायम सिंह यादव के प्रयासों से साक्षी महाराज राज्यसभा के सदस्य भी बने, लेकिन जनवरी 2002 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए तानाशाही, पारिवारिकता, जातिवाद और पूंजीवाद का आरोप लगाया। हालांकि उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि वो समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। साक्षी महाराज का विवादों से भी नाता रहा है। उनके अक्सर बयान एक समुदाय विशेष पर होने की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कई मुकदमे भी उन पर चलाए गए, खास तौर पर राम जन्मभूमि आंदोलन में भी साक्षी महाराज शामिल रहे हैं और वर्तमान में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अभियुक्तों में से एक के रूप में उन पर मुकदमा चल रहा है। साक्षी महाराज पीएचडी धारक हैं, उनके कई शैक्षिक संस्थान और आश्रम चल रहे हैं, जिसे साक्षी महाराज ग्रुप ही संचालित करता है। इस ग्रुप के वो चेयरमैन हैं। फिलहाल साक्षी महाराज उन्नाव से लोकसभा सदस्य हैं। साक्षी महाराज जी, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने बड़ी राजनीतिक पारी खेली है, कहाँ से शुरुआत की और आज आप सांसद हैं? अवस्थी जी, सच तो यह है कि मैंने राजनीति के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बहुत छोटी सी अल्प आयु में 9 वर्ष की उम्र में मैंने संन्यास लिया था। मेरे पिता भी सन्यासी थे, हम 4 भाई थे, 4 में से 3 अनमेरिड सन्यासी, केवल 1 ग्रस्त जीवन में गया। तो 9 वर्ष की अल्पायु में सन्यास लेने के बाद मैं तो कभी किसी गांव सभा का मेंबर भी नहीं रहा, अध्यात्म में बढ़ता चला गया। चूंकि हिंदू संस्कृति का सन्यासी हूं, भारतीय दर्शन में विश्वास करता हूं, तो कालांतर में अयोध्या आंदोलन से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। जब मैंने कुछ अहंकारियों को ये कहते देखा कि अयोध्या में परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो हमने कहा कि दुनिया में किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। और वहाँ से मेरा जीवन प्रभु श्री राम के सहारे प्रारंभ हुआ। और अयोध्या में जब बैरियर को तोड़ा मैंने, परंतु आप जैसे पत्रकार, क्षमा करिएगा, वरिष्ठ पत्रकार अयोध्या आंदोलन में रोका टोका करते थे, क्योंकि वहाँ मित्र सेन यादव कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हुआ करते थे। तो पत्रकार कहते पहले अपना सांसद तो बना लो, ये जय श्री राम तो बाद में कहना, यहाँ की जनता तो कम्युनिस्ट है। तब मेरे मन में आया कि हम नारा लगाते थे रामकृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, तो कम से कम अयोध्या, मथुरा, काशी, इन 3 जगह तो सांसद होना ही चाहिए। पर मैंने नहीं सोचा कि मैं राजनीति में आऊँगा। ये साधु समाज में बैठक हुई, जिनका मैं हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। एक संत थे, एक पूज्य सरसंघ चालक थे, तो पूज्य वामदेव जी महाराज जो रामकार सेवा समिति का अध्यक्ष थे और पूज्य सरसंघ चालक माननीय रज्जू भैया जी, उन दोनों ने मुझसे आग्रह किया कि आपको अपने जीवन की आहुति देनी है और मथुरा से इलेक्शन लड़ना। तो 10वीं लोकसभा इन दोनों के आग्रह पर मैं मथुरा से लड़ा
और राजनीति में मेरा प्रवेश हो गया और ब्रजवासियों की श्री राधा रानी की भगवान बांके बिहारी की ऐसी कृपा हुई कि 10वीं लोकसभा में सांसद बनने के बाद मैंने आज तक पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मैं सांसद लगातार बनता ही रहा और आज 5वीं बार सांसद हूँ। महाराज जी, आप एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, आर्थिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध नहीं माने थे, एक साधारण परिवार था आपका। आज आप डॉक्टर भी हैं, आप शिक्षा दीक्षा कहाँ से आपने ग्रहण की? आज भी मेरे घर में जिसे मैं जहाँ जन्मस्थान है वो छप्पर है, पक्के मकान नहीं है। आज भी मेरे परिवार के लोग जो एक भाई की संतान है वो खेत में काम करते हैं, निराई करते हैं, बुवाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं। मैंने आपसे कहा था 9वीं साल में मैंने संन्यास ले लिया था, तो मेरी सारी शिक्षा और दीक्षा हिंदुस्तान के जाने माने ब्राह्मणों के द्वारा, साधु संन्यासियों के द्वारा। मैंने डबल एमए किया सन्यासी बनके, डबल पीएचडी किया सन्यासी बनके, ये मेरी सारी की सारी शिक्षा दीक्षा सन्यासी बनने के बाद ही हुई है। उससे पहले तो मैं केवल 5वीं करके ही घर से निकल गया था। सवाल पूछते हैं कि आखिर में कैसे आप चलाते हैं, क्योंकि जो साधु है उसकी अपनी एक दिनचर्या है, राजनीति की एक अलग दिनचर्या है, दोनों का सामंजस्य कैसे बैठता है? देखिए, मैंने इस 30 साल के राजनीतिक कार्यकाल में अपनी दिनचर्या को एक मिनट के लिए बदलने का काम नहीं किया है। जो आध्यात्मिक दिनचर्या है उसे उसी तरह से निभाता हूँ, राजनीतिक है उसे उसी तरह से निभाता हूँ। चूँकि मेरा जीवन आध्यात्मिक है, जो व्यक्ति जीवन में ज्ञान को धारण कर लेता है वो कहीं भी विचलित नहीं होता, कहीं परेशान नहीं होता। तो मैं आज भी शाम को 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ और 3 बजे से लेकर 7 बजे 4 घंटे अपने अध्यात्म का सारा काम कर लेता हूँ। उसके बाद मैं 7:30-8 बजे से राजनीति में लग जाता हूँ। तो मुझे दोनों काम करने में कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। कि आपकी जो आध्यात्मिक चर्चा है, आपके बयानों की चर्चा, जो राजनीतिक जो आपकी चर्चा है वो इतनी ज़्यादा चर्चा में हो जाती है कि आप हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने बयानों के लिए। मैंने जो कहा है वो अंतिम सच है, उसमें कहीं मैंने गलत नहीं कहा। मेरा नाम साक्षी है, मुझे दिखाई देता है सामने क्या होने वाला है और जो होने वाला होता है वही मैं कहता हूँ। अब उसे लोग विवादित कह दें, मैं जो राष्ट्र के हित में हैं, जो जन के हित में हैं, जो इस देश के हित में हैं, वही मुद्दे उठाने का प्रयास करता हूं। अब लोग उसे विवादित कहें, मैं उसकी चिंता कतई नहीं करता हूं और मेरी बात को हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों लोग जानते हैं, मानते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान मेरी पहचान का कारण मेरे बयान हैं। सरकार चाहती कि हम दो हमारे दो, और आप सरकार यानी पार्टी की लाइन से अलग बात कर रहे हैं। सरकार चाहती है हम दो हमारे दो, मुझे इसमें एतराज़ नहीं। सरकार ये भी चाहे हम दो हमारे एक, मैं इसके साथ ही सहमत हूँ, केवल हिंदू के साथ। इसके लिए केवल हिंदू जिम्मेदार है। हिंदुस्तान में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, सुरसा की तरह मुंह बढ़ाती हुई जनसंख्या के लिए हिंदू कतई जिम्मेदार नहीं है। हिंदू में तो ऐसे भी हैं हम दो हमारा एक और हम दो हमारा कोई नहीं। कम से कम 3 से 4 करोड़ सन्यासी हैं, उन सन्यासियों की तो शादी नहीं है, उनके तो कोई संतान नहीं है। और इतनी बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता हैं, वो भी अविवाहित जीवन जी करके राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं और उनका एक ही मंत्र है, 13 वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहें। महाराज जी, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, हमारे साथ हैं सांसद साक्षी महाराज जी। महाराज जी, मामला चाहे कब्रिस्तान का हो, शमशान का हो, मदरसे का हो, बढ़ती जनसंख्या का हो, राम मंदिर का हो, आपके बयानों से राजनीति में भूचाल आ जाता है, ऐसा क्या कह देते हैं आप? अवस्थी जी, मैं फिर इसी बात को दोहराना चाहूँगा, जो सत्य होता है मैं उसे कहने के लिए कहता हूँ। अगर मैंने ये कहा कि कब्रिस्तान हो तो बराबर में शमशान भी हो, आखिरकार देश के प्रधानमंत्री ने भी यही कहा। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि जनसंख्या के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। किसी गांव में एक मुसलमान नहीं है और कब्रिस्तान, यह अन्याय नहीं है क्या? और हिंदुस्तान की सारी ज़मीन कब्रिस्तान में चली जाएगी तो खेती कहाँ होगी, लोग रहेंगे कहाँ? इसलिए चाहे मामला शमशान और कब्रिस्तान का हो, चाहे मामला 40 बच्चे 4 बच्चों का हो, चाहे मामला अयोध्या के मंदिर का हो, अगर मैं ये शुरू से कहता रहा
कि सूर्य अपनी गर्मी छोड़ सकता है, चंद्रमा शीतलता छोड़ सकता है, गंगा हिमालय को वापस जा सकती है, पर अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आज भी कह रहा हूँ, कौन रोकेगा? अब तो आप देख रहे हैं, सिया वक्फ बोर्ड ने भी कह दिया वहाँ मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद नहीं बन सकती। दुबई में, दुबई के शेख में हृदय से उनका स्वागत करूँगा, मोदी जी गए उन्होंने मंदिर बनाने के लिए कहा, मंदिर बन गया। और तो और दुबई में मुस्लिम महिलाएं राम नाम का संकीर्तन करती हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान है इतनी आज़ादी कि लोगों की ये हिमाकत हिम्मत कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। आपको पता है ना, लाहौर में वंदे मातरम अखबार निकलता था और मुस्लिम समाज के ही लोग निकालते थे। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान में कुछ लोग भटके हुए हैं, या मैं यूँ कह सकता हूँ आस्तीन के सांप हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, रहते हिंदुस्तान का हैं, लेकिन गीत वो पाकिस्तान के गाते हैं, गीत कहीं और के गाते हैं। मेरा यही लोग टारगेट होते हैं। मदरसे की शिक्षा प्रणाली पे भी आपने सवाल उठाया। मदरसे के मौलवियों से भी मेरे बहुत गहरे संबंध हैं, मुसलमानों से भी बहुत गहरे संबंध हैं। मदरसे से कभी कोई आईएएस आईपीएस नहीं निकल सकता। अभी हमारे उन्नाव में एक मदरसे का निरीक्षण किया गया, छापा पड़ा, तो पैरों में बेड़ियां बांध के और तालिबानी शिक्षा दी जा रही थी जबरदस्ती। तो मदरसों में अगर ऐसी शिक्षा दी जाती है तो हिंदुस्तान में ऐसे मदरसे चलने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने मदरसों में कहा कि आतंकवादी पैदा होते हैं, तभी बंगाल के मदरसों में ऐसे ऐसे बम निकले थे कि 10-10 हज़ार आदमी को मार सकते हैं। तो मैंने कोई मदरसों का विरोध नहीं करता और सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं करता, लेकिन मदरसों में आधुनिक शिक्षा हो, वहाँ से भी आईएएस निकलें, आईपीएस निकलें, पीसीएस निकलें, अब्दुल कलाम जैसे लोग निकलें, ये मेरी मंशा थी। किसी की भावना को आहत करना मेरी मंशा नहीं थी। मैंने मौलवियों से पूछा, आप क्या पढ़ाते हैं? उर्दू। बोले ना, हम तो अरबी पढ़ाते हैं। मैं, तुम्हारी अरबी या उर्दू पढ़ने से क्या कोई आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, कहीं नौकरी मिलेगी? वो तो नहीं मिलेगी। तो काहे के लिए समय बर्बाद करना जब आपको कोई नौकरी दे नहीं सकते, आईएएस बना नहीं सकते, आईपीएस बना नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये जो बड़े बड़े मुसलमान हैं वो अपने बेटे को मदरसे में क्यों नहीं पढ़ाते? वो इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ाते हैं? वो विदेशों में क्यों पढ़ाते हैं? वो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएं? तो केवल ये बिना पढ़े लिखे मुसलमानों को बहकाने का काम करते हैं। अगर मदरसे बहुत अच्छे हैं, मैं मान लेता हूँ, तो फिर जितने बड़े बड़े हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, जितने बड़े बड़े इस्लाम को मानने वाले हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या राजनीति में हैं, या और कहीं उच्च स्थान पर हैं, वो अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ा के दिखाएं? वो काहे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं? वो काहे को विदेश में भेजते हैं? भेजते हैं, इसका अर्थ ये है कि मदरसों में सही शिक्षा नहीं दी जाती है। महाराज जी, आपने ये भी कहा कि 2019 में जब चुनाव होगा तो उससे पहले राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने कहा। और अब तो मुझे लगने लगा 2019 दूर है। अब तो मुझे ऐसा लगता, आभास हो रहा है कि 2018 में ही मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मामला तो मुझे अभी नहीं पता कि सुन्नी वक्फ बोर्ड क्यों विरोध कर रहा है, जो सिया वक्फ बोर्ड ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी। पर मैं दो बातें, एक बात कहता रहा हूँ कि या तो आपसी सौहार्द से, या लोकसभा में रेजोल्यूशन पास करके, या सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग प्रारंभ करने वाला है, निर्णय कुछ भी आ सकता है। और जब सिया वक्फ बोर्ड ने अपना बड़ा हृदय कर दिया, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, 6 लाख मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री को दिया है कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए। 7-8 ट्रकों में मुसलमान ईंटें लेकर के, रामशिला लेकर के अयोध्या पहुँच के मंदिर बनना चाहिए। अब केवल सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले रह गए, जब इतना बढ़िया माहौल बन गया हिंदू मुसलमान में, तो ये भी एक रास्ता निकल सकता है, जल्दी निकल सकता है। इसके अलावा दोनों सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर ही चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर बनाओ आपसी बातचीत करके, ये तो नहीं कहा मस्जिद बनाओ, इनडायरेक्ट तो आदेश हो ही गया, मंदिर बनाओ आपसी बातचीत से। ये नहीं कहा मस्जिद मंदिर दोनों बनाओ, नहीं, ये कहा मस्जिद बनाओ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर बनाओ आपसी बातचीत से, अब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगा, मुझे लगता है कि सारे का सारा निर्णय रामलला के पक्ष में आएगा। आपने ये भी कहा है कि अयोध्या का मामला निस्तारण होने के बाद, यानी कि वहाँ मंदिर बनने के बाद अगला काशी और मथुरा, तो क्या हम माने कि काशी और मथुरा में भी देखिए का निर्माण होगा या मस्जिद हटे? इस देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर लड़े थे। मेरा मानना है जिस प्रकार से मुगलसराय स्टेशन का नाम योगी जी ने बदला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन उसका नाम रख दिया, हिंदुस्तान में जितने भी गुलामी के प्रतीक चिन्ह हैं, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे आपका दिल्ली का तुगलक रोड क्यों हो, ये सारे के सारे बदलने चाहिए। देश आज़ाद हो गया, 70 साल होने को हैं, तब कोई स्थितियाँ रही होंगी हम गुलाम रहे होंगे, लेकिन जिनके हम गुलाम रहे उनके नाम पर आज मार्ग क्यों, स्टेशन क्यों, शहर क्यों? तो आवश्यकता है कि गुलामी के प्रतीक जहाँ जहाँ गुलामी की बू आती है, दुर्गंधी आती है, वो सारे के सारे बदले जाने चाहिए। उसमें अयोध्या भी है, मथुरा भी है, काशी भी है। साची जी, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं देश के चर्चित सांसद साची महाराज जी। साची महाराज जी भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति करते ही हैं, साथ में राम मंदिर आंदोलन के भी एक प्रमुख सिपा सालारों में एक है। आज हम इनसे इनके साथ हैं, आज इनसे बातचीत कर रहे हैं मंदिर मुद्दे पर। साची जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से सुन्नी बोर्ड ने विरोध चालू किया है और सिया वक्फ बोर्ड ने मंदिर की हिमायत की है, तो कोई व्यवधान बीच में आ रहा है? मुझे लगता है ये तात्कालिक व्यवधान है। हमारे भगवान समर्थ हैं, राम समर्थ हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही अल्लाह है, वही खुदा है। भगवान का बंटवारा नहीं होना चाहिए। सिया वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है, तो देर सवेर सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अपना पक्ष राम जी के पक्ष में प्रस्तुत करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। साची महाराज, एक बड़ा एक दौर, खराब दौर रहा है आपके लिए राजनीति में, कि आपको जेल भी जाना पड़ा, और एक ऐसे आरोप में जो मुझे लगता है राजनीति के लिए एक अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा क्या उसमें हुआ? शायद अवस्थी जी आपको जानकारी नहीं है, जो आरोप मेरे पर लगे थे निराधार लगे थे, राजनीतिक लगे थे, पर मैं उनमें से किसी भी आरोप में जेल नहीं गया। पहले तो ये नोट कर लीजिए, मैं अयोध्या के मामले में दिल्ली में मेरे ऊपर केस दर्ज था, आज भी है। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। कमलानगर थाने में केस दर्ज था, मैंने आज भी उसे ख़त्म नहीं किया, संभाल के मैंने रखा है। उस अयोध्या वाले केस में मैं जेल गया था, मैं किसी दूसरे केस में जेल नहीं गया था, और उसी में जेल जा कर के जितने मेरे ऊपर आरोप लगे थे सारे के सारे आरोप उसी केस में तब तक नहीं निकला जब तक सारे के सारे केसों को मैंने समाप्त नहीं कर दिया। और आपको जान के खुशी होगी, सारे के सारे केस चार्ज पर डिस्चार्ज हुए थे, एक भी केस में मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हो पाया था। बयानों की अगर बात की जाए तो आपने अभी एटा में बयान दिया कि मोदी जी कृष्ण के समान है, कृष्ण की आपने उनसे तुलना की है, लोगों ने बड़ा इस पर हो हल्ला किया कि ये सिर्फ साची महाराज जी की चापलूसी है। अवस्थी जी, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और भगवान के कई तरह के अवतार होते हैं, 16 कला में भी, 12 कला में भी, 8 कला में भी, 4 कला में भी। ये तो वो भारत है जहाँ भगवान नाग बन करके आ गए, ये वो भारत है जहाँ कछुआ बन के आ गए, नामदेव ने कुत्ते में भगवान का दर्शन कर लिया। तो मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है, अगर साधारण सा व्यक्ति होता तो विरोधी उसे खा गए होते, निष्णामूत कर दिया होता। ये तो महादेव की माया है, घर घर मोदी छाया है, सारे विश्व में मोदी छाया है। मैं आज इस बात को कहता हूँ, मोदी के अंदर विशेष रूप से भगवान का अवतरण है, भगवान की कृपा है। और जब मोदी जी का घोषणा की गई प्रधानमंत्री की और विरोध हो रहा था, घर और बाहर चारों तरफ विरोध हो रहा था, तो मैंने और माननीय इंद्रेश जी ने 4-5 ज्योतिषियों से पता लगवाया कि आखिरकार भविष्य क्या होगा।
चारों ज्योतिषियों ने लिख के दिया, आज भी लिखा है, किस व्यक्ति ने साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन किया है इसका जितना विरोध होगा उतना ही ऊंचे उठेगा। इसलिए इसकी विरोध की कतई चिंता मत करिए। और नेस्तराधम की भविष्यवाणी मोदी पर सटीक घटती है, और मुझे लगता है तब तो नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार, मुझे लगता है बार बार मोदी सरकार 19 में भी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, 22 में भी कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, भारत के भाग्य विधाता भी हैं। मैं आध्यात्म व्यक्ति हूँ, मैं चापुली से विश्वास नहीं करता, बड़ा कटु व्यक्ति हूँ, कटुआलोचना करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे दिखाई देता है कि मोदी के अंदर ईश्वरीय गुण हैं, इसलिए मैंने कहा था। महाराज जी, आप हमेशा ये आरोप लगता रहता है कि आप सांप्रदायिक बयान देकर चर्चा में रहना चाहते हैं। नहीं, मैं कभी सांप्रदायिक बयान नहीं देता, मैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मोदी का महामंत्र सबका विकास सबका साथ, सारे का सारा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, मैं उसी आधार पर चलता हूँ। को क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब मेरे भक्त हैं, सबके साथ उठना बैठना, सबके घर में आना जाना है। आपको जान के आश्चर्य होगा, भोपाल में मुस्लिम समाज के लोगों के यहाँ मेरा खाना पीना उठना बैठना कपड़े तक धुलते हैं। तो जो नहीं जानते, मैं एक शेर कह सकता हूँ जो मुझे विवादित कहते हैं, मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे, मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे, ये दूरियाँ तो फैसले बढ़ाती हैं। जिस तरीके से राजनीति में संतों का आगमन बढ़ रहा है, आप संत हैं, हर आदमी एक ग्लैमर से प्रभावित होकर आता है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि संत समाज भी अब राजनीति में धीरे धीरे ज़्यादा आ रहा है, कितना उचित मानते हैं? अवस्थी जी, दुर्भाग्य है, आप तो बहुत समझदार हैं, अगर साधु राजनीति नहीं करेंगे तो गुंडे राजनीति करेंगे। ये कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता है, ये कपड़े तो रावण ने भी पहने थे। ये राजनीति तभी पवित्र होगी जब साधु सन्यासी बढ़िया बढ़िया लोग राजनीति में आएंगे। 10वीं लोकसभा में जितने सन्यासी थे उतने आज नहीं है राजनीति में, तब तो बहुत थे। परंतु लोग प्रश्न करते हैं, पत्रकार प्रश्न करते हैं साधु राजनीति, तो मैं प्रश्न खड़ा करता हूँ क्या गुंडे राजनीति? इस देश की राजनीति गुंडे राजनीति अछूत हो गई। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, प्रेरित करें लोगों को, और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो भारत का भविष्य सही होगा। अगर मोदी अच्छे न होते तो आज सारे विश्व में नाम नहीं होता, अटल जी अच्छे न होते तो विश्व में नाम नहीं होता। मेरी दृष्टि में मुझसे बड़े सन्यासी तो मोदी जी हैं, मुझसे बड़े सन्यासी तो अटल जी हैं, कपड़े रखने से कोई सन्यासी नहीं होता। साथी जी, 280 से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं पूरे देश में, शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो सबके नाम नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी कार्यकर्ता से आपका नाम पूछा जाए तो हर आदमी साक्षी महाराज का नाम तो जरूर ही जानता है। मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, सारे देश में और देश से बाहर मेरा नाम पहुँचाने का काम मीडिया ने किया, मेरे हर अच्छे बयान को विवादित, मेरे हर बयान की बोली लगाई जाती है। ये तो ये हो गया कि भारत माता को लोग डायन कहें, गंगा को चुड़ैल कहें, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो ये तो वही हो गया कि सार ने कहा है, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, पर बदनाम हुए तो क्या नाम न होगा। जो जिस तरह से MLC के चुनाव में, पिछले चुनाव हुआ, उसमें आपने आरोप लगाया कि हेदरनाथ दीक्षित और राजनाथ सिंह ने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिला दिया जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बैठ गया, इसलिए पार्टी की हार हुई। अब मैंने इसमें गलत कहाँ कहा? जब टिकट दिया जा रहा था तो मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी से, हृदयनाथ पूरी पार्टी से कहा कि ये व्यक्ति टिकट लेने से पहले बिका हुआ है, इसको टिकट मत दीजिएगा, इसके अलावा किसी को टिकट दे दीजिए, मैं MLC बना लूँगा। पर उसी को टिकट दी गई, वही हुआ जो साक्षी महाराज ने कहा, इसलिए आपको मानना पड़ेगा मैं वही कहता हूँ जो होने वाला होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जाए तो हमेशा सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, और इस सरकार में दंगे ना होना निश्चित रूप से सरकार की उपलब्धि है, लेकिन एक बड़ा सहारनकांड जिस तरीके से हुआ, जाति दंगा पहली बार प्रदेश में हुआ, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस दंगों की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी दंगों की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, या मोदी जी के शब्दों में सबका विकास सबका साथ। जब योगी जी बैठे और विकास की सारी बात योगी ने ले ली और लगा कि जो
पाँच साल में काम नहीं हो पाया, योगी जी तो दो तीन महीने किए दे रहे हैं। तो सहारनपुर के दंगे प्रायोजित थे बसपा के द्वारा, कहीं कोई दंगा सपा के द्वारा प्रायोजित था? केवल क्राइम बढ़ा के दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने कुछ दंगे प्रायोजित किए थे। कल्याण सिंह को और उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी में वापसी यानी कि वापस लाने का काम आपने किया? उमा जी के तो अपने भी सूत्र थे, लेकिन मानी कल्याण सिंह जी और पार्टी में काफ़ी दूरियां हो गई थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इनको वापस लाने मेरी बहुत बड़ी भूमिका थी। उसके लिए मुझे चाहे मानी राजनाथ की थोड़ी साथ लगाना पड़ा, चाहे पार्टी के एक एक जगह जाना पड़ा, चाहे संघ के लोगों से मुझे बात करनी पड़ी, बार बार मानी कल्याण सिंह से बात करनी पड़ी, पर इसमें मेरा योगदान था। मानी कल्याण सिंह स्वीकार करें न करें, पर आज जो कुछ है उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। आपने पूरे राजनीतिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, कोई ऐसा पल जिसने आपको बड़ा विचलित किया हो, और कोई ऐसा पल जब आपने कहा, आपने सोचा कि सब कुछ मिल गया? जब मुझे न चाहते हुए भी घर छोड़ना पड़ा था, घर मतलब भाजपा परिवार, चाहे दो महीने के लिए सही, मेरे जीवन का सबसे दुखद क्षण था। और दिन रात में कानों में आहट आती थी, शायद कहीं से कोई संदेश आए घर वापसी के लिए। बस वो क्षण मेरे बहुत दुखदाई थे, दो तीन महीने के। और सबसे सुखदाई क्षण तब था जब माननीय गडकरी जी ने स्पेशल मैसेंजर भेज के मुझे अपने ऑफिस बुलाया, फिर गाड़ी बिठा के अपने घर ले गए, और घर ले जा कर के मुझे कहा, तो वहाँ भी पार्टी में नहीं थी, कल्याण सिंह पार्टी में नहीं था, मुझे कहा कि पार्टी संभालिए, आपकी आवश्यकता है। मैं अभिभूत हो गया, मेरे लिए क्षण बहुत अच्छे थे। राजनीति में मैं चाहता तो मैं ही रहता, मैं उमाओं को क्यों चाहता, कल्याण सिंह को क्यों चाहता, पर मैंने सोचा कि पार्टी का मैंने नुकसान किया तो लाभ भी होना चाहिए। तो मेरा प्रयास था उमा जी भी आ जाएं, कल्याण सिंह जी आ जाएं, उमा जी आ गई, मैंने प्रयास किया, माने कल्याण सिंह जी से संपर्क साधा, बीच में पड़ा, माने कल्याण सिंह जी आ गए। और जैसा मैं सोच रहा था, मोदी के नेतृत्व में भारत जैसा मैं देख रहा था, सोच रहा था, आज वही हो रहा। योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक आंदोलन चालू किया है 9 अगस्त से। अब ऐसा है, जो लोग दर्द दिन को होने रोने का अधिकार तो है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी का रोदन अरण्य रोदन होगा, कोई सुनने वाला नहीं। सारा देश मोदी में हो गया, आज योगी में हो गया है, उत्तर प्रदेश में नारा लग रहा है देश में मोदी प्रदेश में योगी, कोई जवाब ही नहीं है। मैंने कितने प्रधानमंत्री देखे हैं, कितने मुख्यमंत्री देखे हैं, एक बार कोई बनता है तो फिर बनने के बाद उसका जो प्रभाव होता है कम होता चला जाता है, बुराई शुरू हो जाती है। पर हिंदुस्तान में पहला प्रधानमंत्री जिसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी, वो ज्यों ज्यों आगे बढ़ता चला जा रहा है, प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, कोई उंगली उठाने वाला पैदा नहीं है। और अगर कोई उंगली उठाता है तो एक उंगली मोदी की तरफ जाती है, चार उंगली उसकी तरफ जाती हैं, वही हास्य का पात्र बन जाता है, जैसे राहुल गांधी रोज हंसाई हास्य के पात्र बनते हैं। साची जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद साची महाराज जी। साची महाराज जी का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण 2019 तक अवश्य हो जाएगा। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से सिया बक बोर्ड ने मंदिर के पक्ष में अपना वक्तव्य दिया है, मंदिर के पक्ष में एक माहौल बनाया है, उससे उन्हें पूरी उम्मीद है कि मंदिर का निर्माण हो सकता है कि 2018 तक ही हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि योगी जी एक संत हैं और आज देश में मोदी और प्रदेश में योगी हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड सारा बाबा।